असल नमस्कार सत्याकाल गुड इवनिंग मैं हूँ आरजुका और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब बहुत शुक्रिया सर क्या जाए थैंक यू सो मच जी थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू वेरी मच फॉर वाइकिंग मी सर हम बात करेंगे आज जरा टू नेशन थ्योरी पे और लास्ट टाइम जब हमने शो किया था उसके बाद कुछ मिस्टर जिना वगैरह की भी हम बात कर रहे थे कि क्या पॉलिटिक्स खेली गई जो आ, उस वक्त जो लोग भारत में थे उनको ये बताया गया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है और एक अलग मुल्क होना चाहिए देखे जी ये आ, बेसिकली तो उसका जो क्रक्स था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते अब इसमें जो बेसिक कंट्रेडिक्शन है ना वो अगर हम देखें तो जिना साहब जब तक कांग्रेस में थे उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे इकट्ठे बैठ सकते थे इकट्ठे बातें कर सकते थे जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी तो फिर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यानी एक यूनाइटेड इंडिया में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे जब उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने तो फिर यानी जब मुस्तरद हो गया तो फिर हिंदू मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे ठीक है जी अच्छा उसके बाद आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बन गया और 11 अगस्त की उन्होंने जो तकरीर की उसके मुताबिक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे और उसके और फिर उन्होंने जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे उनको तलकीन की कि आप एक लॉयल सिटीजन के तौर पे ए, इंडिया में रहें यानी हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे अच्छा फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब वो रिटायरमेंट का उनका जो प्लान था कि रिटायरमेंट के बाद वो बॉम्बे में जाके रहेंगे अपने वो उस घर में जो उन्होंने रखा हुआ था वहां पे तो फिर यानी करोड़ों लोगों को ये कह के कि आप हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते उन्होंने वहां जाके हिंदुओं और आ, गैर मुस्लिमों और सिखों और जैनों और बुद्ध मत के लोगों के साथ रहना था यानी वो उनके साथ हिंदुओं के साथ रह सकते थे तो अब मेरा सवाल ये है कि यार आप, आप रह सकते थे या नहीं रह सकते थे आप एक फैसला कर लेना आप खुद तो रह सकते हैं लेकिन करोड़ों पंजाबियों बलोचों सिंधियों और पख्तूनों को आपने यही कह के एजिटेट किया कि आप उनके साथ नहीं रह सकते तो और और फिर आप ये देख लें कि आज आज इंडिया में करोड़ों मुसलमान 22-23 करोड़ मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ रह रहे हैं आप देखें आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं तो सबसे ज्यादा जो एक आ, आ, लोगों की आपस में जो कम्युनिटीज़ हैं इंटरेक्शन होता है वो हिंदुओं मुसलमानों सिखों का होता है यानी मुसलमानों का इतना इंटरेक्शन गोरों के साथ नहीं है जितना हिंदुओं और सिखों के साथ तो इकट्ठे रह रहे हैं वो इकट्ठे खाते पीते हैं इकट्ठे उनके फैमिली टर्म्स हैं उनके आपस में अच्छे तलाक आते हैं बहुत तो ये कहना कि जी इकट्ठे नहीं रह सकते मैं तो समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर नज़रिया ही गलत है कि इंसानों को इंसानों से आप महज अकीदे की बुनियाद पर जुदा करते हैं तो वो जो कंट्रेडिक्शन मैंने आपके आपको आपके सामने प्रेजेंट की हैं आप देख लीजिए कि वो कोई मतलब दो कौमी नज़रिया एक बड़ा एक भोंडा सा एक बेजान सा नज़रिया है बस मजहब की बुनियाद पे लोगों को कहना कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं हिंदू दोस्त हैं हमारे पारसी दोस्त हैं तो क्यों नहीं हम रह सकते भाई किस लिए तो ये मैं तो बिल्कुल समझता हूँ एक खोखला सा एक नजरिया है जिसका इस्तेमाल किया गया पावर गेन करने के लिए क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में फिर आप वो पावर आप उस तरीके से एग्जर्ट नहीं कर सकते थे तो आपको एक टेरिटरी चाहिए थी जिसके लिए फिर आपने ये नजरिया इस्तेमाल किया जी आर्जू सर कई लोग ये भी यहाँ पर कहते हैं कि या कहा जाता है कि जी उन्हें तो मिस्टर जिना को तो पावर की कोई उनको ख्वाहिश ही नहीं थी इसलिए कि जी वो तो बीमार थे उनको तो पता था कि मैं बीमार हूँ और ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर वो पावर क्यों लेंगे जबकि आपने देखा कि उन्होंने कई तरह की जो पोजीशंस थी वो अपने पास ही रखी हुई थी जब पाकिस्तान बनाया गया बिल्कुल वो जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त वो मुस्लिम लीग के भी सदर थे उस वक्त वो स्पीकर भी थे उस वक्त वो प्रेसिडेंट भी थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और गवर्नर जनरल भी थे और सबसे बढ़कर ये कि बहसियत गवर्नर जनरल वो कैबिनेट मीटिंग्स प्रिजाइड करते थे और खड़े खड़े लियाकत अली खान की बेजती कर देते थे लियाकत यू डू नॉट नो एनी थिंग उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने और रूल्स ऑफ बिजनेस ये थे कि अगर जिना कोई चीज प्रपोज कर रहे हैं और कैबिनेट अपोज कर रही है तो जिना की जो प्रपोजल होगी वो ही ओवरराइड करेगी यानी एक तरफ पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ जिना तो जिना जो कहेंगे वही बात फिर एक कानून की हैसियत अख्तियार करेगी और उसी के मुताबिक चला जाएगा तो तो उन्होंने रखे ताकत भी उन्होंने रखी और बड़े वो डिक्टेटोरियल इंसान थे वो अपने तौर पे फैसले करते थे और किसी को वो कुछ नहीं समझते थे यानी वो किसी को भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स को सारे अपॉइंट भी उन्होंने किए थे और लियाकत अली खान जो के एक नाम ने हाद वजीरजम थे उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी वहां पर तो पावर तो उन्होंने रखी और पावर तो वो रखना चाहते थे और जो पूरी पाकिस्तान मूवमेंट चली और मुस्लिम लीग की जो जंग थी कांग्रेस के कांग्रेस के साथ वो पावर की जंग थी सारी पावर की जंग थी वो अगर अगर, से uh, कांग्रेस उनको कहती थी आपको हम गवर्नर जनरल बनाते हैं यहाँ पे पूरे यूनाइटेड इंडिया का फिर कुछ और तारीख होती बड़े की सर ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि कोई पोजीशन का कि मुझे वो दे दीजिए पता नहीं गवर्नर जनरल या किसकी ना दिया तो मैं अलग कंट्री बना दूंगा तो उन्होंने उस वक्त उसको उस बात को हल्के में लिया और उन्होंने कहा जा बना लो जी 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 ये ये इस तरह की भी बात हुई थी गलबन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा था और वो फिर कुछ कांग्रेस के अंदर काफी इस पे लहदे हुई थी तो वो बहरहाल जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी थी कि ठीक है फिर अब हम अपना अलीहदा हम कहीं और बनेंगे गवर्नर जनरल हालांकि देखे ना अब नेहरू भी गवर्नर जनरल बन सकते थे और गवर्नर जनरल जो होता है वो अकाउंटेबल नहीं होता पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर होता है तो ही चोज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट गवर्नर जनरल जो है वो तो एक तरह का वॉइस राय हुआ ना वो तो वो तो किसी को जवाब दे नहीं है वो तो मलका का नुमाइंदा ना <laughs> वो तो किसी को आ, कुछ नहीं समझता उन्होंने फिर गवर्नर जनरलशिप प्रेफर की और वो गवर्नर जनरल बने और उन्होंने फिर को अपना वक्त उसी तरह गुजारा जी अर्जुन सर अजीब सी बात है कि वो कवरेज जो कई सौ साल से साथ रह, रह रही थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ-साथ में लड़ाई की है जंग की 1857 की भी हमने जैसे देखा और उसके बाद जब वो जंग जीत गए और उनको निकाल दिया अंग्रेजों को तो उनको लगा कि आपस में नहीं रह सकते मतलब तो पहले देखे ना आठ सौ साल हुकूमत की मुसलमानों ने उस वक्त तो रह सकते थे जब इकतेदार में थे यानी जब तक आप इकतेदार में हैं आपके पास पावर है तो आप हिंदुओं के साथ रह सकते हैं जब ये अंग्रेज के जाने का वक्त आया तो फिर आपने कहा यार के ये तो फिर अब वो मेजोरिटी में होंगे हम माइनॉरिटी में होंगे तो पावर फिर उनके पास होगी हमारे पास नहीं होगी तो फिर फिर इन्होंने कहा जी हम नहीं रह सकते पहले रह सकते थे यानी आप ताकत में हैं तो आप रह सकते हैं आप ताकत में नहीं हैं तो आप नहीं रह सकते ठीक है जी तो बेसिकली तो यही यही पावर पॉलिटिक्स थी वो बेसिकली तो वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे थे तो उन्होंने फिर ये रास्ता इख्तियार किया जी कि इंडिपेंडेंट स्टेट एक हो हालांकि इकबाल ने इंडिपेंडेंट स्टेट की बात ही नहीं की थी उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कुछ रीजन् जो हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए तो ये तो बाद में फिर इन्होंने वो एक घड़ा ना इंडिपेंडेंट स्टेट का पूरा एक वो नैरेटिव जो था तो जिसके नतीजे में फिर ये मुल्क बना अदरवाइज जो है वो आ, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ऑलरेडी पांच-छह प्रोविंस में मुस्लिम वैसे ही मेजोरिटी में थे फोर्टी परसेंट उनकी पुलिस और आर्मी में थी वहाँ पे आ, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे वो यानी यूनाइटेड इंडिया में जो मुसलमान थे वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे वो अपनी टर्म्स मनवा सकते थे यानी आप देखें ना इंडिया में अभी आप देख लें कि मुसलमान जो हैं वो इतने 22 करोड़ हैं और वो 22 करोड़ ही जो है ना वो ही उनसे वो नहीं हो रहे मैनेज सर सोचे रोड पे बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए रोड ब्लॉक करके आ, इतनी तो दादागिरी चल रही है उनकी अब और क्या चाहिए उनको वो देखे ना वो वो इस वक्त मतलब हुकूमतों को वो सच्ची बात है वो ब्लैकमेल करते हैं वो हाँ? और वो वहां पर बड़ी बड़ी पावर में है यानी माइनॉरिटी में तो आप सोचिए कि साठ करोड़ मुसलमान होता अगर यूनाइटेड इंडिया में तो उसने तो क्या एक्सप्लॉयट होना था उसने तो एक्सप्ल करना था सर अभी भी कर रहे हैं तो अभी भी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं तो अब बात ये है कि ये एक तरह से मतलब ठीक हो गया कि वो बंगाली अपने और इंडियन मुस्लिम अपने और ये इधर वाले हैं वो डिवाइड हो गए नहीं तो ये तो बड़ा मसला बनना था ये कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने बहरहाल जो कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया तो वो उसमें ऐसे लीडर्स थे जो ये सनारियों देख रहे थे आगे वो ये सनारियो देख रहे थे उनको नजर आ रहा था कि जनाब ये तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाएगी हमारे लिए तो बेहतर है कि इनसे जान छुड़ाओ लेकिन सर क्या जान छूट गई उनकी पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान इंटरफेयर तो करता रहता है हर वक्त चू 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 यहाँ से लगी रहती तो आपको लगता है कि क्या उनकी जान छूट गई उनसे वो असल में देखें जी जहाँ पे भी ये लोग होंगे ना दुनिया में चाहे ये आइसलैंड में हों चाहे ये नोवाशिया में हों चाहे ये मेडेरा आइलैंड में हों वो मसले खड़े करते रहते हैं मसाइल पैदा करते रहते हैं तो जान तो आप नहीं छूट सकती ना किसी की भी जान पे तो बनी रहेगी ना वो तो जब तक आप आप इंटेग्रेट नहीं होते मेन स्ट्रीम में आप उस कल्चर की वैल्यूज़ को ऑनर नहीं करते आप हर जगह पे अपनी डेढ़ इंच डेढ़ इंच की मस्जिद बनाए रखते हैं और कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे आप किसी मुल्क में गए हैं लेट से एक पलाओ का आइलैंड है जी पैसेफिक में वहाँ पे आप चले गए आप बेहतर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की तलाश में वहाँ पहुँच गए किसी तरीके से कोई पैसे दे के आपने वीज़ा लगवा लिया या कुछ चक्कर कर लिया आपने वहाँ आ गए फिर आप नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे फिर नौकरी मिलेगी अब नौकरी आपने शुरू की फिर आप कहेंगे जी कि मैंने तो नमाज भी पढ़नी है मेरी कोई तीन टाइम की नमाज़ियाँ होती है तो उसके लिए मुझे आपको जगह दें फिर जगह भी आपको दी जाएगी फिर आप कहेंगे जी कि अब ये यहाँ पे मुझे टाइम भी दिया जाए फिर नमाज़ पढ़ने का टाइम भी आपको मिल गया अच्छा फिर आप कहेंगे जी कि बच्चे जो है ना मेरे इनको स्कूल में अलग से इनको अखलाकियात की जगह इस्लामियात पढ़ाई जाए उसका इंतज़ाम किया जाए फिर वो हो जाएगा फिर आप कहेंगे जी कि हमारे टॉयलेट्स भी जरा अलहदा हो हम आ, हम जरा ये टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे लिए जरा से इस तरह से हो यानी आप वहां जाके बजाय इसके यानी जिस मुल्क में आने के लिए आपने इतनी स्ट्रगल की आपने पैसे दिए आपने दो नंबरी की अब वहां पहुंच के फिर आप उसी सोसाइटी को उसकी वैल्यूज को आप रिजेक्ट करना शुरू कर दें और आप कहें जी नहीं जी नहीं मुझे ये भी चाहिए मुझे वो अब इंडिया में देख लें आप के जो आ, वो उनका ये जो लॉ है मैरिज लॉ है इनका वो हिंदुओं का सिखों का पारसियों का बुद्ध मत के लोगों का सबका मुश्तरक है सिर्फ मुसलमान जो है ना वो कह, वो उसको नहीं मानते वो कहते कि हमारा अलहदा होना चाहिए वो अलहदा तो आप देख लीजिए अब वो मैं भावलपुर में था तो वहाँ पे वो जो चर्च है वो कैथोलिक्स का था लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स भी आते थे उसी चर्च में वो अपना आ, करते थे वो असम्बली बाकायदा तौर पे होती तो थी, थी वहाँ पे उनकी और अ, कुछ एक दो और फिर फिरके भी आ, थे क्रिश्चियंस के वो भी वहाँ पे आ, 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 अगर आए तो कोई उनके लिए इशू नहीं किसी किस्म का लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे आ, वो तो पता चल जाए कि रेलवी की मस्जिद में कुछ देवबंदी आए हुए हैं, ऊंची आवाज में आमीन कह रहे हैं तो वो उनको इवन मारना भी शुरू कर देंगे वहां यार ये तो ये इधर किधर आ गया दुकानों के ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा, लिखा हुआ है लिखा। ये नहीं आ सकते शिया नहीं आ नहीं। सकते अमी नहीं आ सकते दुकानों के बाहर लिखा हुआ तो यार अब जब तक आप आपके तो फिर देखे ना जब आप मजहब की बुनियाद पे वही दो कौमी नजरिए की बात कि मजहब की बुनियाद पे जब आपने लोगों को तकसीम करना शुरू कर दिया तो फिर उसकी हद कोई नहीं है वो तो फिर आगे चलती जाएगी ना बात वो तो फिर मुसलमान से शुरू होगी फिर सुन्नी पे आ जाएगी सुन्नी शिया सुन्नी पे आ जाएगी फिर देवबंदी बरेलवी पे चली जाएगी फिर आगे ममाती और गैर ममाती पे जाएगी फिर उससे भी आगे जाएगी फिर जब वहां खत्म हो जाएगा मामला तो फिर वो फिर वो पंजाबी और सिंधी पे आ जाएगी फिर वो पख्तून और बलोच पे आएगी फिर वो उससे भी आगे जाएगी बिल्कुल तो क्या मतलब ये है कि यार आप जो अकायद हैं और जो चीजें हैं उनको एक साइड पे रखें आप और आप कॉमन कल्चर कॉमन हिस्ट्री कॉमन टेरेटरी उसको लेके चलें और उसके लिए जरूरी है कि सेकुलर स्टेट हो अगर स्टेट आइडियोलॉजिकल है तो आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है ना वो मॉडर्न दौर के तकाजों में कहीं भी फिट नहीं होती होती सिर्फ सेकुलर स्टेट होती है बिल्कुल जी तो सर होना तो इसको भी सेकुलर स्टेट ही चाहिए था क्योंकि शुरू से जब से पाकिस्तान बना है आपको लगता है कि ये चला पा रहे पहले प्राइम मिनिस्टर को भी कत्ल किया गया बाकी भी कोई गवर्नमेंट नहीं चल पाई तो कहीं ऐसा तो नहीं सही डीएचए दे, के एरिया में पाकिस्तान बना दिया <laughs> गलती से <laughs> बात यह है जी के जना साहब को आप देख लीजिए कि वो आधे घंटे से ज्यादा वो हो गया था एम्बुलेंस में पड़े हुए थे तो गर्मी शदीद थी तो उनको फिर उठा के वो ड्राइवर ने वो फुटपाथ के ऊपर लटाया और उन पर मक्खियाँ बैठ रही थी तो उनकी जो सिस्टर हैं अमशीरा वो वो ऐसे अपने पल्लू से वो ऐसे वो आ, उनको हवा दे रही थी कि मक्खियाँ उड़ जाएं और प्रसरार हालात में कोई एम्बुलेंस ख़राब हो गई कोई रिसीव करने नहीं आया एयरपोर्ट पे एक ड्राइवर है एक बहन है और वो एम्बुलेंस ख़राब पड़ी हुई है और वो पड़े हुए हैं बाबा कौम वहां पे लियाकत अली खान को जब शूट किया गया तो आधे घंटे तक उनकी डेड बॉडी स्टेज पे पड़ी रही प्राइम मिनिस्टर की आधे घंटे तक फातिमा जिला की जब डेथ हुई जिन्होंने नहलाया उन्होंने कहा जिसम के ऊपर निशान थे टॉर्चर के तो ये वो लोग थे जो कि फाउंडिंग फादर्स कह लें इनको आप बनाने वाले उनके साथ ये हुआ तो फिर मैं और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं सर अली खान को जिस आदमी ने मारा था गोली मारी थी उसकी फैमिली को तो ये भी है न्यूज के बहुत बड़ा घर दिया गया बहुत सिक्योरिटी दी गई बड़े आलिशान तरीके से रखा गया अभी कुछ दिन पहले उनकी जो बेवा थी वो एक सौ पता नहीं छ के चार साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है और बेटे जो है वो या बच्चे जो है वो भी बहुत ऐश और आम में रहे यानी कातिल के वो जो बंदा था ना जिस जो मुबैना कातिल था यानी इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि वो कातिल था या नहीं था इस पे भी कंट्रोवर्सी है उस पे एक पूरी एक साहब ने रिसर्च की है वो मेरे पास मौजूद है मैं आपको वो दूंगा आप पढ़िएगा वो और जब वो गिरे हैं तो उसके बाद वो वो जो बंदा था जिसको के कातिल डिक्लेयर किया गया वो जो कहते हैं कि वो वहां बैठा हुआ था और उसने मारा जिसको कातिल डिक्लेयर किया गया बाद में उसको फौरी तौर पे वहीं पे शूट कर दिया गया और पुलिस के एक अफसर ने उसको शूट कर दिया और पुलिस का वो जो अफसर था उसके बाद फिर वो बड़े मजे में रहा और उसको बड़ो, बड़ा नामो कराम से नवाजा गया यानी एक बंदा जो सारी यानी कातिल कोई खत्म कर रहा है वो एविडेंस ही खत्म कर रहा है वहां पे वो उसको क्यों नवाजा गया और फिर जो इंक्वायरी हुई वो उसमें पूरी एक फाइल थी और वो जहाज जो था गलबन सेसना जहाज था जो कि लाहौर जा रहा था पूरी फाइल्स थी उसके अंदर उस केस से मुताल वो रावाली के करीब पुरसरार तौर पे गिर के तबाह हो गया वो जहाज जो था तो हमारी तो पूरी तारीख में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ ये तो क्यों हुआ और किसने किया तो कुछ अजीब किस्म की फिर इसमें से कंक्लूजन ड्रा होते हैं कि कििबा जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना वो शुरू ही से वो ताकत में थी और ये जो लीडर्स थे ना ये बस नाम नहाद लीडर्स थे इनके पास कुछ भी नहीं था जो पॉलिसीज बनती रही वो कुछ और लोग बनाते रहे और जो बड़े क्रिटिकल फैसले थे वो भी कुछ और लोग करते रहे जी सर पाकिस्तानी इल्जाम तो जरूर लगाता है कि जी बांग्लादेश जो है वो भारत ने बनवा दिया पाकिस्तान तोड़ दिया तो क्या कभी हमें ये शर्म आएगी कि हमने हिंदुस्तान तोड़ दिया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में नहीं वो तो देखे ना हम जो चीज हम, हमें हमारे हक में जाती है उस पर तो हम कभी ये बात नहीं करेंगे ना <laughs> हम तो वही बात करेंगे जो कि आ, किसी और के खिलाफ जाती हो अपने तौर पे अपने ग्रबान में तो हम कभी नहीं झांकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यानी आप आप यही देख लें कि अगर दो कौमी नजरिया जिसकी हम बात कर रहे थे वो इतना ही आपको प्यारा था तो आप फिर जो इंडियन मुसलमान हैं उनके लिए बॉर्डर्स खोल दें आप कि यार आप वहां तो जब भी आना चाहें आप, आप आएं आप यहाँ के रहें आप दो कौमी नजरिए के तहत आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं लेकिन कोई इंडियन मुसलमान वीजा लेके दिखा दे वीजा लेके दिखा दे और दूसरा अगर इतना ही आपको दो कौमी नजरिया प्यारा है तो फिर आप सऊदी अरेबिया और कोत और दुबई को कहें ना यार के हम भी मुसलमान है आप भी मुसलमान है हमारे लिए वीजा फ्री कर दें फिर अगर दो कौमी नज़रिया आपको इतना प्यारा है तो एक आप एक करारदादा पेश करें अव मतहद में कि यार ये जो चीनी मुसलमान है ना चूंकि इनकी आइडेंटिटी है इनकी हिस्ट्री है इनकी वैल्यूज हैं इनकीदा सिंबल्स हैं तो आप ज़रा चीन इनको ओटानमी दे ना इनको इंडिपेंडेंस दें इनको जो सिंह के आगे है उसको इंडिपेंडेंस दें क्योंकि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो मुलहदों के साथ नहीं रह सकते उनको एक वतन चाहिए। आप करारदात पेश करते हैं आप सारी मुस्लिम दुनिया को कहना कि, चूंकि हम सारे मुसलमान हैं तो एक हो जाते हैं अब बात करें जरा जी एक एक यूनाइटेड एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाते हैं जी तो एक उसका नाम रखते हैं सारे मुसलमान भाई भाई इकट्ठे हो जाएं सर वो ऐसी वाले मुंह तो लगाते नहीं हमें और चाइना को कहने की इनकी हिम्मत नहीं है इन्हें कश्मीर का दर्द उठता रहता है कभी फलस्तीन पहुंच जाते हैं कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं लेकिन ये साथ में चाइना है वहां नहीं जाते ये मुसलमानों के तो, लिए वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये सिर्फ वो बात करेंगे जो की इनको सूट करती है ये अगर इतने ही दो कौमी नजरिए के हैं प्रचारक ठीक है जी पहले तो ये माफी मांगे ना वो बंगालियों से कि यार हम इकट्ठे थे भाई भाई थे ये था वो था बड़ा हमने जुलम किया ज्यादती की तो आए दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और उनका भी रिस्पॉन्स देखें क्या कहते हैं वो बंगाली उनसे पूछें जरा ठीक है या इंडियन मुस्लिम्स को कहें यार आप आप आ जाए यहाँ पे हम खोल रहे हैं दरवाजे आपके लिए देखें कितने आते हैं यहाँ पे ठीक है ईरानियों को कहें यहाँ तो कोई नहीं आना चाहेगा यहाँ से तो भाग रहे हैं लोग तो पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ था वो लाइनें लगी हुई हैं लोगों की आप जरा ये गैरीज पे जाके पे हड़ूस मचा हुआ है वीजा लेने के लिए के यार वीजा मिले तो भागे यहां ऐसा मुल्क बनाया बिल्कुल ऐसा है लोग तैयार तो? नहीं कोई रहने को तैयार नहीं है लोग घबराए हुए हैं डरे हुए हैं कल क्या होना है नहीं पता किसी को जो हालात जा रहे हैं इस वक्त इस मुल्क के यानी इंसाफ देने वाले इंसाफ के लिए दर बदर हो रहे हैं हाई कोर्ट के जज जजिए हमें कोई इंसाफ दे दे उनको इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे और आपको इंसाफ मिलेगा कोई जाँ? पूछेगा भी नहीं सर यहाँ कोई नहीं पूछता सब छुप जाते हैं ऐसी

पूरी दुनिया इसी में इसीलिए वो अभी कोई वीडियो भी चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि मतलब इस वक्त जो सबसे ज्यादा भिकारी है सऊदिया में ओमान में, में कतर में वो पाकिस्तानी है भिकारी जो बाकायदा तौर पे ग्रुप्स की सूरतों में हज पे बड़े बड़े ग्रुप्स जाते हैं भीख मांगने के लिए तो भाई ठीक है वो अच्छी बात है अगर आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो एक रोल मॉडल के तौर पे यही काम सूट -सूट के करता है तो तो <laughs> सर बल्कि मुझे याद आया मेरे और आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं इंडियन में उनका नाम नहीं लूंगी तो वो एक बार अपने शो में कहने लगे कि मुझे कोई पाकिस्तानी नंबर से कॉल आती है तो मैं डर जाता हूँ कि पैसे तो नहीं मांग रहे तो वो... <laughs> सही बात नहीं वर्ल्ड मतलब के, आप, आप के सामने जाके हाथ फैला देते हैं आप के सामने जाके हाथ फैला देते हैं आप, आप, आप दुबई जाते हैं आप वहा कटोरा रख देते हैं कोटोरा है, रख देते हैं यार को डाल दो इसके अंदर तो मतलब आप यानी अगर मुल्क रियासत ये कर रही है पैसे मांग रही है दुनिया से जहां से भी मिल जाए और ये उसका कंडक्ट है तो आम आदमी जो है वो फिर क्या उसका उसकी साइकी किस तरह की डेवलप होगी फिर कि यार ये पैसे मांगने वाली रियासत है हर एक से पैसे मांग रहे हैं हर एक से मांग रहे हैं आप भी इस्लामा में मैं भी इस्लामाबाद में हूँ आपने देखा होगा आपको मार्केट चले जाए आपको कदर लोग मिलते हैं जो पैसे मांग रहे होते हैं बिल्कुल पहले यार नहीं था पैसे मांग रहे होते हैं और फिर वो अगर आप उनको काम पैसे दें तो वो नाराज हो जाते हैं वो आपको देते हैं <laughs> कहते हैं कहते रख ले अपने पास ये पैसे <laughs> मतलब ये कि पैसा भी मांगेंगे और बदमाशी से मांगेंगे मैं, मैं इधर एक कॉलेज में पढ़ाता रहा तो एक दफा मैं चकवाल गया तो एक फकीर कहता सर सलाम कौन कहते सर मैं आपका स्टूडेंट था वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में फकीर मैंने कहा यार ये क्या ये क्या कर रहे हो तुम मैंने तो तुम्हें हाँ। इसलिए पढ़ाई कहते नहीं सर अच्छे पैसे हो जाते हैं इसमें काफी हो जाते हैं तो फकीर भी वो मतलब इस तरह से लोगों की हालत ये कर दी ना सर जॉब्स नहीं मिल रही कुछ नहीं सबकी हालत खराब कर दी इन्होंने बहावलपुर में एक जगह है हेमायतिया तो मेरे एक दोस्त हैं जो वो वहां पे यूनिवर्सिटी से जब आए ना शहर की तरफ तो रास्ते में वो आता है हमायतिया का इलाका तो वो स्कूटर पे आ रहे तो कोई राहजन थे डाकू वो वहां पे उन्होंने उनका स्कूटर रोक लिया रात को लेट आ रहे थे कोई पेपर्स चेक करने का सिलसिला था तो वो उन्होंने रोक लिया निकालो भाई तो पीछे से आवाज आई और यार इनको जाने दो ये हमारे टीचर थे सर आपके मैं नहीं था वो मेरे दोस्तों <laughs> okay. लेकिन तो पाकिस्तान है मतलब वो के वो यानी अब या को, कोई फकीर बन गया है कोई जो है वो हाँ। उसने ये काम शुरू कर दिया है आपकी नौजवान नस्ल जो है वो अगर मतलब नौकरियां नहीं मिलेंगी आपको काम नहीं मिलेगा तो फिर आप यही काम करेंगे फिर आप क्या करेंगे देखे ना क्राइम इतना बढ़ गया इवन इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कराची का तो आप कराची की तो बात ही ना ना करें लाहौर में और फिर और भी शहरों में अभी एक शहर का मैं नाम नहीं लेना चाहता तो क्राइम तो जो है वो बढ़ गया है बहुत ज्यादा अभी लोग घबराने लगे सर लोग शाम में निकलते हुए अब तो खैर दिन में भी हो रहा है लेकिन शाम में तो और भी लोगों को डर लगता है ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन तो... कोई सही होता हुआ हालात दिखाई नहीं दे रहे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 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 नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बस हर किस्म के हालात का मुकाबला बस ये इसी तरह करते हैं कटोरा उठाया दुबई पहुंच गए सऊदीया पहुंच गए अमेरिका पहुंच गए आईएमएफ के पास पहुंच गए एशियन बैंक के पास चले गए कि यार पैसे दो लेकिन वो वक्ती तौर तो पे तो कुछ थोड़ा रिलीफ मिल जाता है लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो है वो तो हालात ठीक नहीं होते ना कर्जों से और दुनिया पे, पे से हालात बिगड़ते चले जाते हैं सिर्फ ये होता है कि वो जो आज आपने जितना कर्जा देना है मार्कअप के साथ वो बढ़ता चला जाएगा और वो बढ़ता चला जा रहा है और एक कि आप नहीं दे सकेंगे वो? सर, ख्याल है आदत सी हो गई है वरना इंसान को चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना थोड़ी शर्म आती है कि आप किसी से कहें कि यार हमें लोन चाहिए या हमें पैसा चाहिए हमारे पास नहीं है लेकिन वो शर्मशायद खत्म हो गई है क्या, क्या, क्या हैं और अभी मजीद जाने के लिए तैयार है इसका मतलब है हमें हम ना एनर्जी सेक्टर पे काम करेंगे ना कुछ करेंगे यही चलता रहेगा चल तो इवन और बड़े फखर से बताया जाता है जी कि हमें कर्जा मिल गया है या स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है यार ये कुछ फखर करने की बातें हैं कि आपको कर्जा मिल गया है आप आपको आप आप आपको उधार लेना पड़े और उधार ले के आप क्यों मुझे उधार मिल गया है फिर आप नाचना शुरू कर दें <laughs> मतलब ये कोई बात तो नहीं है <laughs> बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन वही है कि शायद हमें अब शर्म नहीं आती और हमें अब आदत सी पड़ गई हम सुधरने वाली कॉम नहीं है और शायद भारत को शुक्र अदा करना चाहिए और थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए <laughs> मिस्टर जिना के उन्होंने पाकिस्तान बनाया और ये कॉम यहाँ आ गई और जो यहाँ थी वो यहीं नहीं बना अभी हम उनके गले पड़े होते तो वो ना वो चंद्रयान पे जा सकते थे ना कुछ इधर ही कहीं हमारे साथ ही कहीं भटक रहे होते बहुत शुक्रिया आज आपने ज्वाइन किया सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू